Yeah.
जो तूने क्या कर दिया। ऐसा करने से पहले तूने मुझे अपनी गोद में ही क्यों नहीं मार दिया? नहीं भरत, नहीं पुत्र, ऐसे मत बोलो पुत्र। आज से तू मेरी माता नहीं, नहीं, और मैं तेरा पुत्र नहीं। नहीं भरत, नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से। मत बोल भरत, ऐसे मत बोल। तू मेरा प्यारा भरत राज कथन पर बैठा पुत्र, पुत्र भरत, भरत बेटा। माँ जो कुछ भी करती है, माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। पुत्र अपने राजगद्दी पर बैठो पुत्र, मेरा भरत, भरत, भरत। Bye.
लगेगा कि वे उस भरत की भुजा है जिसने राम के वध भेजकर उसका सारा राजभार छीन लिया। माता जी बड़े भाई की अनुपस्थिति में राजगद्दी पर पांव रखने का भी अधिकार मुझे नहीं है। माता भरत जी, निसंदेह आपके विचार अति उत्तम है। वाह भरत, अति उत्तम विचार है आपके। प्यारे पिता की कैसी
सरारत
और बना तपस्या की सेवा करता मन भ्रमण कर पूरा प्रिय कर अपने मन में इस तरह का संदेह जरा भी न पालना कि पिताजी माता के कई ने तुम्हारे साथ कुछ अन्याय किया है। भरत, मेरा तुमको आदेश है कि जब तक मैं 14 वर्ष बिता करके अयोध्या न लौटूं, मेरी प्रजा को अपनी प्रजा को सकुशल रखना, माताओं का ध्यान रखना और अपने मन को भ्रमित न करना, ये मेरा तुमको आदेश है। माता, 14 वर्ष बस यही कट जाएंगे, 14 वर्ष उपरांत हम अयोध्या लौट आएंगे। अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, सभी माताओं सहित अयोध्या लौट जाओ। आपने तो सब प्रकार से मेरा हृदय जीत लिया है, मेरे कारण आपको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। भैया, कृपा करके आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दें, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं चरण पादुकाओं से सिंहासन सजाऊंगा। मगर भैया, मेरी एक बात को आप याद रखना, अगर आपने 14 साल में एक भी दिन विलंब किया तो आपको आपका भरत जीवित नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कहते भरत, ऐसा नहीं कहते हैं। 14 वर्ष बस यही कट जाएंगे और तुम्हारा भाई टाटा राम अतिशीघ्र अयोध्या लौट आएगा। मैं तुम्हें जन्म का दुखा देता हूँ।